दोसांझ पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। पंजाबी के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ आज अपना 38वां बर्थडे मना रहे हैं। उड़ता पंजाब और फिलौरी जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी पहचान दिलाई। तो चलिए आज उनके स्पेशल डे पर हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। दिलजीत ने अपने गांव के गुरुद्वारे से गाने की शुरुआत की थी। वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले कीर्तन में गाते थे। बाद में उन्होंने कीर्तन के अलावा पंजाबी और फिल्मी गाने भी शुरू कर दिए। दिलजीत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में पंजाबी एल्बम इश्क दा उड़ा एड़ा से की थी, जो बुरी तरह फ्लॉप थी। इसके बाद दिलजीत ने रैपर हनी सिंह के साथ गोलियां सॉन्ग गाया था, जिसने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया। फिर दिलजीत ने कई हिट गाने गाए और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2011 में आई फिल्म द लॉयन ऑफ पंजाब के जरिए दिलजीत ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी फिल्म जट एंड जूलियट और जट एंड जूलियट 2 ने पंजाबी फिल्मों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिलजीत ने फिल्म उड़ता पंजाब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम दिलजीत नहीं दलजीत सिंह है। लोकल लेवल पर थोड़े पॉपुलर होने के बाद उन्होंने अपने एक जानने वाले की राय पर नाम बदल कर दिलजीत कर लिया। साथ ही अपने नाम के आगे अपने गांव दोसांझ कला का नाम लगाया, तो ऐसे उनका नाम पड़ गया दिलजीत दोसांझ। दिलजीत ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, वो भी अपने गांव के स्कूल से। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पैसों की कमी की वजह से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। दिलजीत दोसांझ डिजाइनर ब्रांड्स ही पहनते हैं, जैसे राल्फ लॉरेन, केविन क्लेन, अरमानी जैसे कई ब्रांड्स। उनका फेवरेट ब्रांड है गुची। उन्हें महंगे डिजाइनर शूज का भी बड़ा शौक है। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनके पास लुई विटों के जूते भी हैं, जिनकी कीमत 1.25 लाख रुपए के आसपास है। खबरों की माने तो अपने एल्बम में जो कपड़े और जूते वो पहने नजर आते हैं, वो सब अक्सर उनके अपने ही होते हैं। दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर गुरदास मान और किशोर कुमार के बड़े फैन हैं। वो अपनी गाड़ी में हमेशा ही गुरदास मान और किशोर कुमार के गाने सुनते हैं। दिलजीत काइली जेनर के जबरा फैन हैं। वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कई टीवी शोज में वो काइली जेनर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए भी देखे गए हैं। वो काइली जेनर के इतने बड़े फैन हैं कि उनकी हर पोस्ट पर कमेंट भी करते हैं। दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, मगर अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने इससे दूर रखा है। वो अपने परिवार के बारे में कभी बात नहीं करते। उनके पिता पंजाब रोडवेज में नौकरी करते थे और माँ हाउसवाइफ है। उनकी शादी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है। अब उनकी शादी हुई है या नहीं, उसके बारे में तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। दिलजीत दोसांझ को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।